मजदूर दिवस के अवसर पर गोप गुट के कर्मचारियों ने भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत गोप गुट के कर्मचारियों ने कहा कि मजदूरों को एकता होनी चाहिए और सभी मजदूर एक होकर सरकार पर दबाव डालें ताकि उनके अन्य विकास कार्य में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सके। गोप गुट के कर्मचारियों ने मजदूर दिवस के अवसर पर झंडा तोलन भी किया। दुनिया के मजदूरों एक हो, हम गरीबों एक हो, मैं दिवस करे पुकार इंकलाब जिंदाबाद, मैं दिवस करे पुकार इंकलाब जिंदाबाद, हम कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम कर्मचारी एक हो एक हो, हम समझा कर्मी एक हो एक हो, मैं दिवस करे पुकार हो एक हो एक हो, समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, पंजीवाद हो बर्बाद। 1888 से तमाम जो मजदूरों के हित में, तमाम मजदूरों के अधिकार के लिए, तमाम मजदूरों के कार्य के लिए जो पहले 24 घंटा कार्य कराया जाता था मजदूर से, उस कार्य में बंटवारा 8 घंटा आराम, 8 घंटा काम और 8 घंटा ये मनोरंजन के लिए जो बंटवारा किया गया, ये बंटवारा यूं ही नहीं हुआ है, मजदूरों के शहादत और मजदूरों के बलिदानी से ये अधिकार मिला है। मजदूर दिवस में आज के दिन ये 8 घंटा का जो 24 घंटा का परिपाटी को विखंडन करके 8-8 घंटा में विभाजित किया गया, ये लेने वाले जो हमारे शहीद थे, जो मजदूर नेता थे, वो तमाम लोगों ने इस कुर्बानी को, इस अधिकार को लेने के लिए कुर्बानी दिए हैं, जिसके याद में हम लोग प्रतिवर्ष 1 मई को उनकी याद में हम लोग अपने झंडा को फहराते हैं और उनको शहीद वेदी पर उनको याद करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि मजदूरों का, कर्मचारियों का और तमाम सेक्टरों में काम करने वाले लोगों का जो अधिकार के लिए हनन अभी चल रहा है, अधिकार की कटौती हो रहा है, जो 24 हमारे 44 अधिकार था जिसमें कटौती करके ये सरकार पूरे तौर पर 4 मिला दिया है, नियमावली संशोधन करके 4 कर दिया है, इसके विरोध में आज पूरे देश में मई दिवस मना करके संकल्प लिया जा रहा है कि हम अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने हबूब के लिए हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और हक को हम अपना प्राप्त करेंगे।